मारुति जिम्नी की प्राइस रिवील हो चुकी है एंड वी वर शॉक्ड। प्राइसेज जो इट स्टार्ट्स एट 12.74 लाख जो जीटा वेरिएंट है। बाय द वे इसमें सिर्फ दो वेरिएंट्स आते हैं, जीटा एंड अल्फा। तो उसमें भी जो है जीटा में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन आता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन आता है। अल्फा में भी आपको मैनुअल भी और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन आते हैं, बट अल्फा में आपको डुअल कलर ऑप्शन भी आता है। अभी बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो 12.74 लाख जो है इसका स्टार्टिंग प्राइस है, विच इज जीटा मैनुअल ट्रांसमिशन। उसके बाद अल्फा मैनुअल जो है 13.69 लाख। सबसे पहले आपको बताता हूँ ये कार में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। ये जो इंजन है ये थोड़ा पुराना जनरेशन का है, जो लेटेस्ट 1.5 लीटर का के सीरीज इंजन है वो नहीं आता इसमें। और आपको इसमें आई स्टैंडर्ड 4x4 आता है, 4x2 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको ट्रांसफर केस वगैरह सब आपको देखने मिलता है इसमें। मैनुअल ट्रांसमिशन आता है एंड आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है 4 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है, थोड़ा लीजी लगता है, सिर्फ 4 स्पीड है तो सिटी ट्रैफिक वगैरह में इतना कुछ खास चलने नहीं वाला है वो। अभी जीटा ऑटोमेटिक का जो प्राइसिंग है इट कम्स एट 13.94 लाख, और अल्फा ऑटोमेटिक का जो प्राइसिंग है इट इज 14.49 लाख। और अगर आपको अल्फा में डुअल टोन ऑप्शन चाहिए इन ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो आपको देने पड़ेंगे 15.05 लाख। काफी एक्सपेंसिव है। अगर आप इसको देखें तो ये डायरेक्ट टक्कर देगी टू द महिंद्रा थार, एंड थार तो हमको ऑलरेडी पता है कि भाई ये सेगमेंट में वो राजा है। तो जिम्नी का जो राइवल है थार, आपको इसमें पेट्रोल और डीजल ऑप्शन दोनों भी आते हैं, 4x2 वेरिएंट भी आता है, 4x4 वेरिएंट भी आता है। उसमें भी काफी ऑप्शंस है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, स्पेशली अगर आप पेट्रोल टू पेट्रोल कंपेयर करते हो जिम्नी एंड थार का। सो काफी सारे डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे। थार जो है इट इज वेल बिल्ट, जिम्नी का बिल्ड क्वालिटी जो है थोड़ा मीडियोकर लगता है, सब स्टैंडर्ड लगता है कोई कोई जगह पर। एंड आपको पता है थार का सेफ्टी रेटिंग भी काफी अच्छा है, जिम्नी का पता नहीं, जब भी सेफ्टी रेटिंग आएगा 5 डोर का तभी हमको पता चलेगा इज इट 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, वी डोंट नो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है इसका क्या सेफ्टी रेटिंग रहने वाला है। कमिंग टू द प्राइस, थार स्टार्ट होता है एट 10.5 लाख, तो काफी अंडरकट करता है जिम्नी को। 10.5 लाख का जो मॉडल है दैट इज अ 4x2 वर्जन, तो टू व्हील ड्राइव का वर्जन आता है इसमें। बट अगर आप पेट्रोल थार का रियर व्हील ड्राइव का ऑटोमेटिक वर्जन देख रहे हो तो उसका प्राइसिंग आता है एट 13.49 लाख। सो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए से सस्ता है। हाँ पता है कि ये जो कंपेयर हम कर रहे हैं अभी, थार इज 4x2 एंड जिम्नी इज 4x4, बट स्टिल मोस्टली लोग जो है हार्डकोर ऑफ रोड नहीं करने वाले, सिटी में ही लोग चलाने वाले ट्रैफिक में इधर उधर, बट आपको ऑफ रोड करना ही है सो 4x4 भी ले सकते हो थार का। सो 4x4 थार का जो पेट्रोल वर्जन है ऑटोमेटिक वाला, इट कम्स एट 16.1 लाख। सो 1 लाख रुपए ज्यादा देकर यू गेट अ प्रॉपर SUV जो काफी केपेबल है, एंड हम सबको पता है कि थार का ऑफ रोडिंग लेवल काफी हाई है। थार में आपको डीजल का भी ऑप्शन आता है, बट ये वीडियो में हम पेट्रोल को फोकस करने वाले, बिकॉज जिम्नी में आपको कोई डीजल ऑप्शन नहीं आता है। अगर इंजन और पावर की बात की है तो थार पेट्रोल और जिम्नी में काफी डिफरेंस है। थार में आपको 2000cc का पेट्रोल इंजन आता है, एंड पावर आउटपुट जो है थार का इट इज फैंटास्टिक। 320 Nm का टॉर्क फिगर आता है इन द पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन, कंपेयर टू जिम्नी। अगर आप जिम्नी का पेट्रोल का टॉर्क देख रहे हो सो यू आर लुकिंग एट जस्ट 134 Nm, सो काफी डिफरेंस है। जिम्नी काफी वीक लगेगा इन फ्रंट ऑफ थार अगर आप डायरेक्ट कंपेयर करते हो तो। बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, व्हाट डू वी फील अबाउट द प्राइस। एज आई सेड हम तो शॉक हो गए थे, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिम्नी का जो प्राइस पॉइंट है थोड़ा एंट्री लेवल पर रहेगा, अराउंड 10 लाख के आसपास होना चाहिए था इसका प्राइस। काफी एक्सपेंसिव कर दिया है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग जिसने बुकिंग्स किया है जिम्नी का वो शायद थार में कन्वर्ट हो सकते हैं। अराउंड 30,000 बुकिंग्स ऑलरेडी आ गए हैं, 15,000 या 20,000, आई डोंट नो कितने लोग थार पे शिफ्ट हो जाएंगे, वी रियली डोंट नो, वी विल जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच इसकी डिलीवरीज एंड बाकी सारे टाइमलाइंस देखने के बाद। सो इन दी एंड मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मारुति शुड हैव थॉट अबाउट आर प्राइस सेंसिटिव मार्केट। इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, लोग हमेशा देखते हैं कि भाई गाड़ी लिया है बट कितने में लिया और एवरेज कितना देती है, मेनली ये एंगल से देखते हैं इंडियन कस्टमर्स। तो मारुति को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था। सो महिंद्रा के ऑफिशियल्स शायद अभी ऑफिस में एक साथ बैठ के वो लोग तो खुश रहेंगे कि भाई जिम्नी का प्राइसिंग इतना हाई हुआ है एंड थार सडनली फील्स वेल प्राइज्ड। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। हमें बताइए आपको क्या लगता है जिम्नी के प्राइस के बारे में। आप अगर जिम्नी लेना चाहते हैं तो कौन सा वेरिएंट आप लेना चाहेंगे, आप जिम्नी लेना चाहते हैं या थार लेना चाहते हैं। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।